ऐश्वर्या राय से करेगा शादी? ये क्या होता है? ये क्या होता है? 1:10 हो रहा है और किसी ऐसे बंदे से शेयर करो जो ऑलरेडी मैरिड हो। ये कहीं ना कहीं मैं अनु से दूर हूँ तो मुझसे कहीं ना कहीं वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। को दो तीन बाद मैं निकलूँगा घर से और आराम से घूमी घूमी इधर उधर। फर्स्ट तो मेरे को बहुत टाइम से बहुत मन है कि मैं जाऊँ गोल्डन टेम्पल, तो मेरा बहुत मन है गोल्डन टेम्पल जाने का, तो हो सकता है मैं वहाँ पे जाऊँगा। सोच रहा हूँ नहा के ही नीचे जाऊँ क्योंकि मैं पूरा फ्रेश एंड अपनी होकर नीचे जाऊँगा ना तो अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा। नहा लेता हूँ मैं, मतलब नहा वहाँ भी लिया हूँ मैं सब कुछ, अभी बस मैं नीचे जाऊँगा। हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, लाइक मेरी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी चल रहा है इवन, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अनु से दूर हूँ तो मुझसे कहीं ना कहीं वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं लिटरली बताता हूँ मुझसे नहीं होती है। मैं जब से अनु से दूर हूँ मुझे वो चीज़ें मतलब खलती है या जो भी कह लो। अनु को भी ऐसा ही है, सेम अनु को भी होगा मुझे पता है, बट वो क्या है वो अभी अपने वर्क में इतना बिजी है कि उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ें चलने का टाइम नहीं है। बट मेरा क्या है, मैं पूरा दिन ही मतलब यहाँ पर रहता हूँ, पूरा दिन एक घर में रहता हूँ, एक रूम में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। दैट्स वाई पैनिक एनजाइटी अटैक्स का भी हो जाता है समटाइम, ठीक है। और वो चीज़ें हम ये नहीं कि बोल के करते हैं, हम कभी भी अपनी, कोई भी इंसान है, कोई भी अपनी तबीयत ख़राब कर रहा है या कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो बोल के नहीं कर रहा है कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं ये करूँगा तो मेरी तबीयत ख़राब। कोई भी क्यों चाहेगा कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, नहीं चाहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन सारी चीज़ों से अगर आपको निकलना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, जो कि मेरी गलती है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब घर से निकलना, थोड़ा चिल आउट करना दोस्तों के साथ, थोड़ा इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ये सब जब तक नहीं करोगे एक बैठ के तसल्ली से। अब कभी कभी होता है, देखो कभी भी मैंने हमेशा ही मैंने ही बोला है कि कभी भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे इंसान को इंटरफेयर मत करने दो, मतलब कि उसकी सोच से मत चलो, क्योंकि तुम जानते हो उस इंसान को, कभी थर्ड पर्सन नहीं जानता। बट सम टाइम क्या होता है कि अगर तुम मतलब सारी चीज़ें सही भी हुए हैं फिर भी तुम्हारे अंदर होता है ना एक कैफियत सी है कि यार मेरे साथ ही हो रहा है, तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, अच्छा लगता है। अगर कुछ चीज़ें शेयर करने लायक है तो दोस्तों से वो भी शेयर करो, मतलब ये नहीं कि सबसे जाके कर रहे हो, कोई एक दो ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे करी भी जाती है तो उनसे शेयर भी करो चीज़ें। उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि वो इंसान आपको, और किसी ऐसे बंदे से शेयर करो जो ऑलरेडी मैरिड हो। किसी ऐसे से सिंगल से शेयर करोगे वो कहेगा हटा यार आ जा, मस्त चलते हैं, आराम से पार्टी करते हैं, हटा छोड़ के जाने दे, जाने जा रही हूँ। सिंगल लोगों सिंगल यही करते हैं, मैं प्लीज़ सिंगल लोग बुरा मत मानना, बट अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि हटा जाने दे, क्योंकि किसी टाइम में हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी टाइम में हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इवन हम लोगों ने भी किया है, मतलब हमारे सारे दोस्तों ने भी, एक दोस्त था बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, टूट टाट गया था, मतलब दोनों का गुस्सा गारी ये हो रहा था, उस टाइम पे इतना मेच्योरिटी लेवल था नहीं यार हमारा, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं हटा छोड़ जाने दे और आ जाएगी, तो वो वाली चीज़ें सिंगल लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी किया था, और भी इवन मेरा भी जितना वो हुआ है तो मुझे भी यही चीज़ें देखने को मिली है कि हाँ सिंगल लोग ऐसा करते हैं। तो उस चीज़ पे ना कि किसी मैरिड पर्सन से डिस्कस करने की कोशिश करना चीज़ों को, पता है किसी को कोई कुछ भी कर रहा है ना लाइफ में वो उसके आगे आता है, और ये चीज़ याद रखना, जो इंसान जो कर रहा है ना लाइफ में कर्मा रिटर्न्स होता है। तो खैर और लोगों पे तो ऑलरेडी हो चुका है, कितनी कर्मा रिटर्न हुए हैं मुझे पता है। जब इंसान नहीं बोलता है ना तो ऊपर वाला बोलता है उसके लिए। वो बस अभी चलते हैं नीचे, कुछ खा पी लेते हैं और फिर आते हैं, क्योंकि मुझे काम तो यहीं पे बैठ के करना है ना। खा लो थोड़ा सा, खाया ही नहीं यार, कब जाएगा खाना? खाओगी तभी खाया जाएगा, थोड़ा बहुत खा लो, इतना खाया जाएगा। गाइस खाने में आज कड़ी, ये क्या है, मम्मी आलू, आलू टमाटर, आलू टमाटर सूखा, बेसन वाला आलू है, सूखा वाला, ऑनियन, चावल।
अब मैं कह रहा हूँ खाया नहीं जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को 2 दिन हो गए अभी। एक दिन तो मैं ये बताऊँ, मैं सही ठीक ठाक चल रहा था, अभी दूसरा दिन है ना तो अभी पेट ना अभी जवाब दे रहा है, लिटरली अभी पेट जवाब दे रहा है, अभी नहीं हो रहा है चीज़ें। ज़रा सा कुछ भी खा रहा हूँ ना मेरी हालत ख़राब हो रही है, फिर भी मैं खाएंगे, ज़रूर खाएंगे, कोशिश करेंगे। तो गाइस मैंने 1-2 स्पून यहाँ से खाया, यहाँ से खाने के बाद बस मैंने ऐसे रख दिया, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी अभी, बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट जाओ आराम कर लो, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है ना, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है शायद से, सॉरी भगवान जी। ये क्या है, तो ये शीशे लगाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो भाग तो होगा दिखेगा, ऐसे करके कैसे करके कहाँ दिख रहा है, रुक जाए 1 सेकंड। अच्छा बस खेलने का मतलब भैया आ रही नहीं है, मस्त ये आपको क्या देखो ये चक्का डाला मैंने, हाँ अभी नहीं निकलेगा कुछ है नहीं, हाँ अच्छा जादू है ये, सही है लो करो जादू करो बैठ के, युवान सो जाओ जाके, इधर आओ, सोने का मन है, अभी तो नहीं कर रहा है मन, अभी तो नहीं, अभी क्या करने का मन कर रहा है, नहीं टीवी देखने का, टीवी देखने का मन कर रहा है, टीवी पे क्या पोल पोल पाइप, हाँ अच्छा क्या आता है उस पे, ओटी ओटी आगे को ओटी बोलता है, ओटी अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पैर पे मुंह नहाया तू अभी तक, नहा लिया ये नहीं, तो फिर बोल क्यों रहा है, तुम शादी किससे करना चाहते हो मुझे बताओ, बता दो बुआ को बता दो, पापा से, पापा से, हाँ पापा से शादी करेगा तू अपने, हाँ। पागल पापा से कौन शादी करता है, कितने ताते तू लड़की से, तू किसके साथ करना चाहता है शादी बोल, अलियन जो ताता ना तो मुझे ताता तलो और माई भी ताता था, तो बराबर हो तो गया, तू भी काटता था वो भी काटता था छोटा था, तो क्या हो गया, जब हम एक होती हॉस्पिटल में पेटा हुए थे है ना, है तू इतना जहरीला है, तू शादी किससे करना चाहता है मुझे ये बता, किससे करेगा शादी, कौन सी लड़की से करेगा, आर्यन के पास से लड़की, आर्यन के पास से लड़की, हाँ ऐश्वर्या राय से करेगा, ऐश्वर्या राय से करेगा शादी, ये होता है ये क्या होता है ये कोई नहीं, तो आराम से पहले पढ़ाई कर ले बाद में कर लियो शादी। तो गाइस अभी मैं अभी अभी ऊपर आया हूँ और लिटरली मैं सही बता रहा हूँ आज मतलब हालात ऐसे हो गए मेरे कि मैं क्या ही होता हूँ, और देखो अभी लेक्सी ने क्या किया, यहाँ पे आके पैर रख के यहाँ पे खड़े होके पूरा देख रही थी क्या है क्या नहीं है, और सीरियसली मेरा अगर ऐसे ही हाल चलता रहा ना बहुत जल्दी मेरे को ड्रिप लगने वाली नौबत आने वाली है, क्योंकि लिटरली इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है बॉडी का कि मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ ना तो मेरी सांसें उखड़ जा रही हैं, इतना गंदा, एक तो बॉडी हेल्दी ठीक है ऊपर से क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे दिन बाथरूम में हूँ, ज़रा सा पानी भी पी रहा हूँ ना लिटरली मैं बाथरूम जा रहा हूँ, रे मैं कसम से अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है मुझे क्या नहीं, कितने प्लान्स बना के रखा था मैं, अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरा क्या होगा, बट जो भी होगा देखा जाएगा, पर हाँ एक बात क्लियर है मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया, मतलब हो रहा है
धीरे धीरे करके उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं कि जब हमारे यू ना हाथ में एक ड्रिप लगी होगी और आराम से, देखो यार ये नहीं है कि मैं पतला हो गया एंड ऑल, ना पतला वाली बात नहीं है, वीकनेस आ गई है बॉडी में, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है बॉडी में। क्योंकि यार कोई भी इंसान हो, बॉडी चाहे कितना भी फूला हो, कितना ही मोटा हो, कैसा भी, बट जब वो बार बार वॉशरूम जाता ना, उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाता है, कितना भी हेल्दी इंसान हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है, क्योंकि मुझे आज दो दिन हो गए ऐसे, दो दिन मतलब आज तीसरा दिन चल रहा है पूरा पूरा, तीसरा दिन में निबट ही गया ऑलमोस्ट। मैं जा रहा था, मैं बस नहा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ नहा रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ नहा रहा हूँ, तीसरी बार नहा रहा हूँ अभी मैं जाके, फिर से नहाने जा रहा हूँ मैं, यही करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी रात भी मैं उसमें बाथरूम में ही बैठा रहूँगा। तो देखते हैं जो भी रहता है। बोला भी भाई साहब चलो नहा के आ दो फिर से। तो गाइस आज तो एक तो बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ऐसा हो रहा है कि आज 1:10 हो रहा है और अभी तक लाइट नहीं आई है यहाँ पे, मतलब सीरियसली इतना गर्मी हो रहा है और लाइट का आता पता ही नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं बस भौंक रहे हैं, लाइट का पता नहीं है बस। इतनी देर से मैं एक टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, इतना देर हो गया मैं वेट करते करते, लाइट कब आए कब आए, कब मैं जाके सोऊँ कब मैं जाके सोऊँ, लाइट ही आने का नाम नहीं ले रही आज। वैसे मैं तीन तीन चार चार बजे तक जगता हूँ, आज लाइट नहीं है, सुकून नहीं है, तो नींद भी आ रहा है और सो भी नहीं पा रहा, मतलब अलग ही चीज़ें हो रही हैं आज तो, समझ में नहीं आ रहा अभी करना क्या है। लाइट का वेट ही कर सकता हूँ मैं, फिर चाहे 3, 4, 5 कितने बजे आए, पर वही करना पड़ेगा, लाइट नहीं आ रही है, बड़ा गुस्सा आ रहा है सीरियसली। तो मैं अभी ऊपर आके लेट गया हूँ, देखता हूँ लाइट आ जाए तो अच्छा है, आएगी तो भी अच्छा, नहीं आएगी तो मैं लेटे रहूँगा, नींद आएगी तो सो जाऊँगा, मच्छरों में नींद भी नहीं आएगी, रियलिटी तो ये है, जो भी होगा देखा जाएगा अब तो, क्योंकि अब मेरे हाथ का बस तो है नहीं यार। इन्वर्टर था, इन्वर्टर 3-3, 4-4 पंखा कितना कितना देर चलेगा यार इन्वर्टर से, जितना देर चलना था चल गया, क्योंकि लाइट अभी से नहीं गई हुई है ना, बहुत टाइम से गई हुई है। हमारा टीवी भी चल रहा है तब से 2-3 पंखा चल रहा है तब से, एक बाप रे 3-3 पंखा, टीवी, हर जगह की लाइट्स चल रही है, उस वजह से इन्वर्टर भी डाउन हो गया जस्ट अभी। मेरा तो पता नहीं क्या ही होगा आज, गर्मी बहुत हो रहा है यार, मैं तो मम्मी पापा की टेंशन हो रही है, क्यों हम लोग तो फिर भी झेल जाएंगे, मम्मी पापा कैसे फेस करेंगे, पापा को तो सुबह ही जाना पड़ता है, वो कैसे क्या करेंगे, देखते हैं क्या रहता है, भगवान लाइट आ जाए। फाइनली गाइस लाइट आ चुकी है, जस्ट अभी आई है, 1:50 हो रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 रहा है, 2 जाके लाइट आई है। अभी मैं लेटूंगा थोड़ी देर यू नो फ़ोन वोन चलाऊँगा, फिर आराम से सो जाऊँगा मेरी भी, हाँ मतलब सीरियसली। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है मुझे किस चीज़ से हुआ, मैं जब तक इन्वर्टर रहा तब तक तो ठीक रहा, जब इन्वर्टर पू 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 बोलने लगा, देन आफ्टर लाइट जलना बंद हो गया बाथरूम का, और उसके बाद तो भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत फेस कर रहा है क्योंकि मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था, उसका लाइट नहीं जल रहा था, ऐसी तैसी होकर रखी थी मेरी, पर अभी ठीक है, अभी बाथरूम का लाइट वाइट भी जल रहा है और लाइट भी आ गई है, कूलर भी चल गया है, तो अभी आराम से लेटते हैं यार। गुड नाइट गाइस, आजकल लोग यहीं तक कर देते हैं, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय बाय।